महान हो, तुम्हारे हिस्से में स्वर्ग की अगणित विभूतियाँ आई हैं, ना कि नर्क की यातनाएं, और तुमको वही लेनी चाहिए जो तुम्हारे हिस्से में आया है। वह स्वर्ग इस संसार में ही है, वह तुम्हारे भीतर है, उसे खोजने का प्रयत्न करो, तुम उसे अवश्य प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारा मनुष्य होना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी अनंत शक्ति है। संसार की ओर आंख उठाकर देखो, प्रकृति पर तुम्हारा ही स्वामित्व है। बड़े से बड़े पशु तुम्हारे संकेतों पर नृत्य करते हैं। ऊंची से ऊंची वस्तु पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। तुमसे शक्तिशाली प्राणी इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। तुम्हारी बराबरी करने वाला अन्य जीव इस संसार में नहीं है। हे मनुष्य, तू कितना शक्तिशाली है। तेरे प्रत्येक भाग में शक्ति का स्तर लगाया गया है, और वह इसीलिए कि तू निर्भयता से पृथ्वी पर राज कर सके। तू दुर्गम पर्वतों पहाड़ों में भी रास्ता बना सकता है। तू नदियों के रूप को भी मोड़ देने की शक्ति रखता है। तू धरती से अमृत पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। तू अपनी बुद्धि के बल पर धरती और आकाश में भी जा सकता है। तेरे बल की कोई सीमा नहीं है। जिन साधनों से संपन्न करके तुझे इस पृथ्वी पर भेजा गया है, वे अचूक हैं। उनके आगे कोई भी ठहर नहीं सकता है। तुझ में शारीरिक शक्ति का भंडार है। तेरे हाथ पांव, छाती और पुट्ठे में शक्ति इसीलिए दी गई है कि तुझे कोई दबा ना सके, तेरी बराबरी ना कर सके। जहाँ तेरी शारीरिक संपन्नता कार्य ना कर सकेगी, वहाँ कार्य के लिए तुझे बुद्धि की असीम शक्तियाँ प्रदान की गई है। इनकी ताकत इनके इंद्र वज्रों से भी उत्कृष्ट है। इनके आगे दूसरे की नहीं चल सकती है। तुझ में असीम सामर्थ्य विद्वान है। शक्ति का पुंज तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। तुझे किसी के आगे हाथ पसार कर मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी देवी देवता की कृपा की आवश्यकता नहीं है। संसार की किसी भी शक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुझे विचलित कर सके। तू निष्पाप है, तू आनंदमय है, तू अविनाशी आत्मा है, तू सच्चिदानंद रूप है, तू शोक रहित है, भय रहित है, नित्य मुक्त स्वभाव वाला देव है। ना दुख, ना क्लेश, ना रंज, ना भूत, ना प्रतिद्वंदी तुझे अपने जन्म जाति अधिकारों से कोई विचलित नहीं कर सकता है। वासनाएं तुझे मजबूर नहीं कर सकती है। तू ईश्वर का महान पुत्र है। ईश्वर की शक्ति ही तेरे अंदर प्रकाश है। तू ईश्वर को ही अपने भीतर से कार्य करने दे, ईश्वर को स्वयं प्रकाशित होने दे। तू ईश्वर जैसा ही बन कर रहेगा। तू ईश्वर होकर खा, तू ईश्वर होकर पी, और ईश्वर होकर ही सांस ले, तभी तू अपने पैतृक संपत्ति का स्वामी बन सकता है।